अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी मरियम। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बताती चलूँ, ये शादी सीजन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ ब्राइडल शावर की, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि पुरानी चीजों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज दिए हैं। इसी तरह से आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि हम लोग होममेड किस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, वो भी मेहंदी और ढोल की। इंट्रो देख के आप लोग का अंदाजा हो ही गया होगा, तो चलिए भाई देर किस बात की, जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमने आज की डेकोरेशन की। आज हम ढोल बजाना नहीं बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें पेंट चाहिए, ब्रशेस चाहिए, ग्लू गम चाहिए और कुछ पुराने घर में जो लेस हो वो चाहिए और थर्मापोल के ग्लास चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थर्मापोल के दो ग्लास लिए हैं, जिनको मैं आपस में ज्वाइन करने वाली हूँ ग्लू गम की हेल्प से। तो मैंने इसके ऊपर की साइड पे जो है ग्लू गम लगाई है और दोनों को ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों ने आज की वीडियो में अपने दिमाग, कान और आंखों को खुला रखना है, क्योंकि आज की वीडियो में इंतहाई सस्ते यानी कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बताने वाली हूँ कि डेकोरेशन कैसे हो सकती है। बस आप लोगों ने अपनी आंखों को और दिमाग को और थोड़ी सी हाथ की मेहनत को हाजिर रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारे ग्लासेस को ज्वाइन करके रख दिया था, हमारी ढोल की शेप आ गई थी। अब बारी आ जाती है कलर की, तो मैंने जो है पोस्टर कलर्स लिए थे, ये 12 कलर का मैंने बॉक्स लिया था और जो है हमने हर एक एक ढोल पे एक एक कलर अप्लाई करना था। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को येलो कलर अप्लाई कर दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन लीजिए कि जब आप थर्मापोल के ग्लास ले रहे हो तो उसपे कभी भी किंग्स वालों के पोस्टर कलर अप्लाई मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ जो है बड़ा प्रैंक हो चुका था, क्योंकि मैंने ये अप्लाई करे इतनी मेहनत से अप्लाई करके रखे और जब थोड़ी देर के बाद जब ये ड्राई हो गए तो ये स्टिकर्स की तरह जो है हमारी ढोल पर से उतरना शुरू हो गए थे। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पर से किस तरीके से उतरना शुरू हो गए थे और हमारी मेहनत भी जाया हो गई थी, ग्लास भी अलग जाया हो गए थे। तो मैंने जो है ओमेगा के यहाँ पे पोस्टर कलर्स लिए थे और उनको अप्लाई करता था, तो इनका एक ब्रश लगने पे हमारे इतने अच्छे कलर्स इनहेंस हो रहे थे। खैर, मेरे यहाँ पे बताने का और दिखाने का मकसद ये था कि किसी की मेहनत जाया ना हो। तो इसी तरह से हमने हर कलर्स को अप्लाई करके अपने ढोल्स रेडी कर दे रहे हैं और इसके बाद जो है हमने इनको खूबसूरत बनाने के लिए लेस और डोरी ले लेनी है और उससे जो है अपना काम शुरू कर देना है। और यहाँ पर हम ग्लू गम की हेल्प से जो है डोरी को लगाने लगे हैं, जिस तरह से ढोल्स पे लगी हुई होती है डिजाइन होता है उस तरह से ही हम लगाएंगे इस डोरी को। पता नहीं किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से जोट कहते हैं, कुछ ऐसा ही लफ्ज है। पहले यहाँ पर जो है मैंने डोरी को अपने स्टाइल से लगा दिया था, आप लोग जिस अंदाज में चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। डोरी की डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हम सेंटर में ग्लू गम लगाएंगे और जो हमारे घर में पुरानी लेस रखी है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने लेस लगा ली, चाहे तो आप लोग पहले लेस लगा लें उसके बाद डोरी अप्लाई करें या इस तरह से लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोग को दिखा दिए। अब इसके बाद आ जाती है इसमें मजीद डेकोरेशन की, मतलब मजीद ढोलों को हसीन बनाने की बात। तो मेरे पास जो है कुछ गोटे की पत्तियां और नग रखे हुए थे जो मैंने इनके ऊपर अप्लाई कर दिए, जिससे ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लग गए थे। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी सी लुक आ गई थी इनकी। और फिर जो है लास्ट में हमने सारे ढोलों पर जो है डोरी लगा दी थी, मतलब इनको हैंग करने के लिए डोरी लगाई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है अपने गले में डाल लेते हैं और बजाना शुरू कर देते हैं, उस तरह का हिसाब था, लेकिन हमने इनको बजाना नहीं था। तो इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके लिए चाहिए हमें 4 कलर्स के रिबन, गम चाहिए होगी और साथ ही साथ इसके चाहिए हमें सितारे। सितारे आपको मार्केट से मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, जितना दिल चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप अपनी बहन के जज्बात पर ना चेक करें, पूरे शॉपर को फाड़ के फेंक दिया था। वेल, यहाँ पर हम जो है रिबन ले लेंगे और उस पर सितारे लगाना शुरू करेंगे। तो रिबन को हमने कट नहीं करना है, पूरे रोल पे हमने सितारे लगाने हैं, जितना रिबन है उस पर हम सितारे लगाते जाएंगे स्पेस के साथ। गोल्डन और सिल्वर कलर के मैंने सितारे लिए हैं, उनको मैं लगाती गई थी, एक गोल्डन और एक सिल्वर। बस फिर इसी तरीके से हम सारे रिबन पर सितारे लगाने के लिए, जो मैंने 4 रिबन लिए थे उन सब पे मैं सितारे लगा लूंगी इसी तरीके से और उनको ड्राई करने के लिए रख दूंगी, यानी कि अच्छे से सूख जाए सितारे, इसके ऊपर चिपक जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे रिबन्स पे कंप्लीट कर दिए थे सितारे। अब चलते हैं अपने 3rd स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए शीट्स कलरफुल और जो है सीजर चाहिए और कुछ हेल्प चाहिए स्केल और पेंसिल की, क्योंकि इस शीट्स की मैं बनाने वाली हूँ काइट्स यानी कि पतंगे। यहाँ पर मैं पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा रहे कि इस तरीके से हम लोग काइट बना सकते हैं और उसके बाद आराम से सीजर से कट कर सकते हैं। और इससे भी इजी मेथड जो है मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग काइट्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, जो हमारी वेस्टेज है हमने उसको जो है जाया नहीं करना है, उसको संभाल के रखना है, वो हमारे काम आने वाली है। यहाँ पर जो है मैंने देखी इस तरीके से शीट को कट करा और उसमें से स्क्वायर शेप का एक पीस निकाल लिया। स्क्वायर के एक कॉर्नर पर हमने ट्राइंगल कट करना है अलग कलर का और उसको गम से जो है हमने इसको चिपका देना है। तो इस तरह से हमने हर छोटी बड़ी कट कर लेनी है, जितने दिल चाहे छोटी और जितनी दिल चाहे बड़ी बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम जो है अब लिख लेंगे मेहंदी की रात, ढोल की रस्म हिना और जितना दिल चाहता है आप लोग को जो समझ आ रहा हो वो आप लोग लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया था। अब चलते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ, जहाँ पे मैंने शीट को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसको कट कर लिया। अच्छा, इसमें से एक हिस्सा लेना है और उसके जो है हमने स्ट्रिप्स की तरह फोल्ड करते जाना है, मतलब एक तरफ हम इस तरह से करेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर उस साइड से करेंगे, जैसे बचपन में हम लोग जो है पेपर्स के अक्सर फैन बनाते थे, उसी तरीके से हमने ये बनाते जाना है। जितना आप लोग को लगे कि इसका हमारा फ्लावर बन जाएगा उतना हमने रखना है और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा शीट को हमने कट कर देना है।
और कट करने के बाद हमने इसको इक्वल साइज में जो है फोल्ड कर देना है और अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारे अच्छे से प्रेस हो जाए। इसके बाद हमने इस तरह से इसको खोलना है और इनकी साइड्स पर जो है जहाँ से ज्वाइंट लगना है वहाँ पे गम लगानी है। अच्छा, ये गम बहुत जबरदस्त है, बस थोड़े से इसके ड्राई होने का वेट करें। उसके बाद जब आप इसको चिपकाएंगे तो इतने अच्छे से ये चिपक जाता है, हर चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से चिपकाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसके सेंटर में जो है एक सितारा लगाते हैं जिससे बहुत प्यारी सी लुक आ गई इसकी। और अब इसका दूसरा मेथड भी सुनते और देखते जाइए कि सेम मेथड हम दोबारा से रिपीट करेंगे। मतलब हम जो है इसको फ्लावर बनाएंगे और एक साइड पे हम इसकी गम लगाएंगे, दूसरी साइड पे हम गम नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी शीट पे भी हाफ फ्लावर बनाएंगे और फिर इनको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा बड़ा फ्लावर भी हो जाएगा। चाहे तो आप लोग इस तरह से छोटे फ्लावर भी बना सकते हैं। बस इस तरीके से हमने हर कलर में फ्लावर्स को बना लेना है। तो यहाँ पर हमारे बनाने का काम हुआ कम्प्लीट। अब चलते हैं अपनी डेकोरेशन की तरफ कि इनको किस तरीके से डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले जो है मैंने रूम के चार कोनों पर मैंने कील लगवा ली थी और उसमें जो है डोरी बांधी थी एक मजबूत सी, क्योंकि हमने रूम के कुछ पार्ट को डेकोरेट करना था। यहाँ पर जो है मैंने ये येलो और ग्रीन कलर्स की कुछ लड़ियां ली थी। ये आपको जो है मेहंदी का जहाँ से सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। रूम के अकॉर्डिंग हमें जितनी लड़ियों की जरूरत होगी उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर जो है मुझे तीन लड़ियां एक साथ बांधनी पड़ी थी तो मेरी जो है लेंथ बनी थी। तो लड़ी के एक कोने को हम डोरी के साथ बांधेंगे और इस तरह से लेते हुए जाएंगे और दूसरे कोने के साथ हम इसको बांधेंगे। इस तरह से हम सारी लड़ियों को बांधते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को देखते हुए समझ आ गया होगा कि डोरी का कितना अहम काम है। इसी तरीके से हम इसकी अपोजिट साइड पे भी बांधेंगे। यहाँ पर येलो कलर की लेयर्स को लेंगे और एक ऊपर से लेयर के गुजारेंगे और एक नीचे से गुजारेंगे, यानी कि हम जो यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं वो है हमारा चटाई वाला, जैसे कि मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ। इससे आइडिया हो गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इसका फुल दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरीके से हमारा बन गया और कितना हसीन लग रहा था ये बनकर। चार कोनों पे डोरी बांधने से हमारा काम बहुत आसान हो गया था। इसके बाद जो है हमने ये डोरी लेनी है और इस डोरी पर जो है हमने सितारे लगाने हैं गम की हेल्प से, वो भी स्पेस के साथ। मैंने डोरी के बहुत से सेक्शन जो है कट करके रख लिए थे। इसी तरह से हमने सारी डोरियों को कंप्लीट कर लेना है। अब जो है हम इसको ऊपर बांधेंगे जो हमने डिजाइन बनाया है। इन लड़ियों में हम बीच बीच में इसको लगाते जाएंगे जिससे हमारी बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने कम्प्लीट कर दिए थे। अब जो है हम इनसे थोड़े से नीचे दोबारा से कील लगवाएंगे और ऊपर डोरी बांधेंगे और इस पर लगाने वाले हैं हम फेरी लाइट, जिससे हमारी जो डिजाइनिंग है वो जगमग जगमग सी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डोरी लगाने से यानी कि चार कोनों पे हमने जो डोरी बांधी है उससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। सेम उसी मेथड से जो है हम फेरी लाइट्स को भी लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी फेरी लाइट्स को भी कम्प्लीट कर देंगे यानी कि लगा देंगे। अब हम वॉल पे डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। ये येलो कलर का मैंने कपड़ा जो है डेकोरेशन वाले से मंगवा लिया था, इसको चादरे के लिए कपड़ा इसको फिक्स कर दिया था जिससे हमारी विंडो क्लोज हो गई थी। और जो पर्दों का स्टैंड है उसमें मैंने ऑरेंज कलर का एक स्लाई करके पर्दों की तरह कपड़ा लगा दिया था, जैसे कि मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ। जॉर्जेट का ये कपड़ा था। अब जो हमने चीजें बनाई थी उसकी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, उनको लगाना कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिबन्स लगा रही हूँ। अच्छा, रिबन्स को मैंने पहले इसलिए कट नहीं करा था कि हमें लेंथ जो है नापनी थी, उसके बाद कट करना है। आप लोग अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जब लेंथ नाप लें। तो यहाँ पर जो है मैं वन बाय वन हर कलर का रिबन लगाती रहूंगी, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये मैं पूरी वॉल पर लगा लूंगी इसी तरह से। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ आ गया कि रिबन्स को हमने किस तरीके से लगाना है। इसके बाद मैंने एक येलो कलर की नेट ली और एक मेरे पास ग्रीन कलर का कपड़ा था जॉर्जेट का, अच्छा सा कढ़ाई वाला, घर से निकल गया था। तो हमने इसको जो है रुमाल की तरह बांध लिया है, जैसे आप लोगों ने देखा अक्सर पर्दों के ऊपर बंधा हुआ होता है। उस स्टाइल में हम धागे की मदद से बांध सकते हैं या आप लोग चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं। अच्छा, धागा मैंने इसलिए बांधा कि हमारे पाइप के साथ अच्छे से बन जाएगा। तो जहाँ पे हमारे ऑरेंज कलर का पर्दा आ रहा है जॉर्जेट का, उसके ऊपर हम ग्रीन कलर का कर देंगे और साइड्स जो है उसमें हम येलो कलर का इसी तरीके से बांध देंगे रुमाल की तरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने येलो कलर की भी बांध दी है, तो कितनी अच्छी सी एक कलरफुल सी लुक आ गई है। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग घर में बहुत अच्छी होममेड डेकोरेशन कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पुरानी चीजों को। खैर, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं ढोल। तो ढोलों पे जो मैंने डोरी बांधी इसलिए बांधती कि हम लोग इसको हैंग करने वाले हैं रिबन्स के साथ पिनअप करके। इसी तरह से वन बाय वन हम हर ढोल को हैंग कर देंगे जो रेडी करे हुए थे। तो इस तरह से हमारी एक साइड वॉल तैयार हो जाएगी जहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने फ्लावर्स की तरफ कि हमने फ्लावर्स को कहाँ लगाना है। तो ये रहे सारे फ्लावर्स और अब हम इनको लगाने वाले हैं सेंटर में। बस फ्लावर्स के पीछे हम ग्लू गम लगाएंगे और इनको पेस्ट करते जाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से एक ही बार में पुश करने में पेस्ट हो जाएंगे। बस थोड़ी सी ग्लू गम हमने ज्यादा लगानी है। बस इसी तरह से हम अपने सारे फ्लावर्स को लगा देंगे। तो ये देखें भाई, हमारी सेकेंड पार्ट जो है वॉल का वो भी रेडी हो गया और वो कितना हसीन लग रहा है। मतलब हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है हमारे थर्ड पार्ट की, मतलब के वॉल की लास्ट साइड। तो यकीनन यहाँ पे हम लगाने वाले हैं अपनी काइट्स को। इसको भी मैं ग्लू गम के साथ लगा दूंगी और ये बहुत आराम से जो है पेस्ट हो जाएगी। जहाँ पे आप लोग को अच्छा लग रहा हो, जिस तरह से अच्छा लग रहा हो, उस तरह से आप जो है इन काइट्स को लगा दें।
यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हो, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए आने वाली हैं, वो भी वेडिंग सीजन के हवाले से। खैर बातों के साथ साथ हमारी यहाँ पे पतंगे हुई कम्प्लीट, हमारी जो है वॉल की डेकोरेशन हो गई है कम्प्लीट, हमने सोफों पे भी वही कपड़ा चढ़ाया है जो हमने वॉल पर लगाया था, और साथ हमने इसकी येलो कलर की कुशन रख दी है। तो लास्ट मोमेंट को देख के ये लग ही नहीं रहा कि इतनी सस्ती और होममेड हम ऐसी डेकोरेशन कर सकते हैं, है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। तो लास्ट में टेबल अरेंज करके हम अपनी डेकोरेशन को कंप्लीट करते हैं, आप लोग कोई सी भी टेबल ले सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने फ्लावर्स डाल दिए थे, और जो हमारी रस्म की चीजें होती हैं वो हमने टेबल पे अरेंज कर देनी है, जो जो आप लोग की हो वो आप लोग कर सकते हैं। तो इस 11 मिनट की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ बहुत सारी क्रिएटिविटीज शेयर की है, बहुत सारे होममेड आइडियाज शेयर किए हैं। तो जी बिल्कुल फाइनल लुक आप लोग के सामने है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढोलकी के मेकअप और ड्रेसिंग ज्वेलरी के साथ, अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे, मुझे स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़।